नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जाति गणना को लेकर सभी डीएम के लिए आदेश हुए जारी। शिक्षकों को मिला के पाठक का नया आदेश। बालू माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर इन जगहों पर तैनात होगी एसटीएफ। बेसबॉल फेडरेशन कप में बिहार की टीम लेगी भाग। शिक्षकों को नई नियुक्ति में मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जाति गणना को लेकर सभी डीएम के लिए आदेश हुए जारी। बीते दिन पटना हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को जाति गणना शुरू करवाने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में अब मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सभी डीएम को जाति गणना का कार्य तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। बता दें कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जनगणना के बचे हुए कार्यों के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत 7 जनवरी से हुई थी, जिसके पहले फेज का काम पूरा हो गया था और दूसरे फेज का काम 15 अप्रैल से शुरू किया गया था, जो कि 15 मई तक चलना था, लेकिन 4 मई को ही पटना हाई कोर्ट के द्वारा अपने एक अंतरिम आदेश में जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था। बीबोस की 10वीं परीक्षा 2022 दिसंबर को कदाचार मुक्त बनाने के लिए अपनाया गया ये तरीका। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि बीबोस की 10वीं परीक्षा 2022 दिसंबर की शुरुआत 4 अगस्त से हो रही है, जो कि 12 अगस्त तक चलने वाली है। ऐसे में इस परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए बिहार बोर्ड की ओर से एक तरीका अपनाया गया है, जिसके तहत अब हर परीक्षार्थी के निर्धारित सीट पर रोल नंबर रहेगा, यानी कि अब जिस सीट पर रोल नंबर होगा परीक्षार्थी को वहीं बैठना होगा और छात्रों को रोल नंबर के हिसाब से ही उत्तर पुस्तिका दी जाएंगी। इस संबंध में बिहार बोर्ड की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में बिहार बोर्ड की ओर से लिया जा रहा है। ऐसे में बोर्ड की ओर से सभी जिला शिक्षा कार्यालय को परीक्षा संबंधित उत्तर पुस्तिका, रोल सीट, वीक्षकों की घोषणा पत्र, कदाचार संबंधी प्रपत्र आदि भेजा जा चुका है, जहां से केंद्राधीक्षक परीक्षा सामग्री प्राप्त करेंगे। बालू माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर इन जगहों पर तैनात होगी एसटीएफ। अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए पटना पुलिस के द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब मनेर से बीटा तक के बालू घाटों पर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए 4 जगहों पर एसटीएफ की टीम की तैनाती की जाएगी। बता दें कि एसटीएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहेंगे और साथ ही आवागमन के लिए उनके पास वाहन भी मौजूद होंगे। ऐसे में अगर कभी कोई घटना घटित होती है तो एसटीएफ के साथ लोकल पुलिस मिलकर एक्शन लेगी। मालूम हो कि इन दिनों बालू के अवैध खनन में काफी बढ़ोतरी हो गई है, ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की ओर से अहम कदम उठाया गया। इसी को लेकर यह निर्णय लिया गया। इस बारे में एसएसपी राजीव मिश्रा के द्वारा बताया गया कि एसटीएफ पुलिस की तैनाती के लिए भवन बनाने के लिए खनन विभाग को कहा गया है, जिसमें पुलिस की तैनाती 24 घंटे रहेगी। शिक्षकों को मिला के पाठक का नया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब शिक्षकों को जातिगत गणना के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं मिलेगी, यानी कि अब वे पढ़ाने के अलावा केवल जातिगत गणना का काम करेंगे। मालूम हो कि इस संबंध में के पाठक के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख निर्देश भेज दिया गया है और सख्त लहजे में कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न हो, इसलिए शिक्षकों को अन्य कोई प्रशासनिक कार्य में लेकर न जाएं। इसके साथ ही इस पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की जातिगत गणना के लिए प्रतिनियुक्ति के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो। पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का इस वजह से बदलना पड़ा रूट। बड़काकना रांची नवनिर्मित रेल लाइन चट्टान के गिरने की वजह से पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के निर्धारित मार्ग में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि बदलाव अगले आदेश तक इसी रूट पर रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बारिश के कारण बड़काकना रांची नवनिर्मित रेल लाइन के सिधिवार स्टेशन और साकी स्टेशन के बीच पड़ने वाले दारी दाग हॉल्ट के पास भूस्खलन हुआ, जिसका बड़ा चट्टान रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिसके कारण इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। ऐसे में ट्रेन आज से अगले आदेश तक अपने निर्धारित मार्ग टाटी सिलवे सांकी बड़काकाना के बदले टाटी सिलवे मूरी बड़काकाना होकर चलेगी। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का इस दिन होगा ट्रायल। कुछ दिनों पहले ही बिहार वासियों को पटना रांची वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली थी, वहीं अब बहुत जल्द ही बिहार वासियों को पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। मालूम हो कि पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 8 कोच के साथ राजेंद्र नगर टर्मिनल के कोचिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुकी है। ऐसे में अब ट्रेन की ट्रायल अगले 2 से 3 दिनों में पूरी कर ली जाएगी और फिर अगस्त महीने में ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। ऐसे में ट्रेन के परिचालन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे और रेलवे कर्मी के द्वारा मिलकर पटना झाझा आसनसोल हावड़ा मेन लाइन पर
रेलवे ट्रैक दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा। हालांकि अब तक इस ट्रेन के परिचालन को लेकर कोई फाइनल डेट निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत इसी महीने से हो सकती है। इस ट्रेन की शुरुआत होने से पटना से हावड़ा 7 घंटे में पहुँचा जा सकेगा। हज यात्रा पर गए हाजियों का आखिरी जत्था लौटा, 9 यात्रियों की मक्का में मौत। बीते दिन मंगलवार को बिहार के हज यात्रियों का आखिरी जत्था गया एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, जिनका स्वागत जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, विधि व्यवस्था डीएसपी खुर्शीद आलम, हज भवन के सीओ रशीद हुसैन, पूर्व चेयरमैन हज कमेटी इलियास हुसैन आदि के द्वारा किया गया। इस दौरान डीएम के द्वारा हज यात्रियों की बधाई दी और उनका मुकद्दस यात्रा के बारे में जानकारी ली, यानी कि अब हज यात्रा 2023 पूरी हो चुकी है। मालूम हो कि इस बार हज यात्रा में बिहार के कुल 9 हज यात्रियों की मौत हुई है, जिसमें 4 गया जिले के तो वहीं बाकी पटना समेत अन्य जिलों के थे। इस यात्रा को लेकर गया जिला पदाधिकारी एसएम डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा कहा गया कि हज यात्रा का प्रस्थान और आगमन गया एयरपोर्ट से हुआ है। इसकी व्यवस्था राज्य सरकार और एयरपोर्ट के द्वारा मिलकर की गई थी। जो लोग हज यात्रा से आए हैं उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की। सभी लोगों को मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार में आई फ्लू ने बढ़ाई टेंशन। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में आई फ्लू ने लोगों के टेंशन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मालूम हो कि पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच व पटना एम्स मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों में से 20% मरीज आई फ्लू से पीड़ित हैं। बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि आई फ्लू मौसम में बदलाव, बारिश और उमस, मानसून में कम तापमान और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से लोग बैक्टीरिया और एलर्जी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। इस दौरान आंखों में लालीपन, दर्द, सूजन, खुजली, जलन, पानी गिरना, पलकों का चिपक जाना देखा जा रहा। हालांकि इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर की ओर से आई ड्रॉप आदि दिए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि अब कई मरीज जागरूक हो गए हैं, इसलिए शुरुआती लक्षण में ही वे सीधे अस्पताल पहुंच रहे हैं। बेसबॉल फेडरेशन कप में बिहार की टीम लेगी भाग। 4 अगस्त से भोपाल के मध्य प्रदेश में शुरू होने वाले बेसबॉल फेडरेशन कप में बिहार की पुरुष टीम भी भाग ले रही है, जो कि 7 अगस्त तक चलेगी। बता दें कि इस कप के दौरान ही भारतीय टीम का चयन होगा, जो वर्ष 2023 के 5 सितंबर को मेक्सिको में आयोजित होने वाले साउथर्न विंटर लीग 2023 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। मालूम हो कि इस बात की जानकारी बीते दिन घोषणा कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की टीम में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें आशुतोष कुमार तिवारी कप्तान, बंटी कुमार उप कप्तान, वैभव कुमार, सनी कुमार, लव कुमार, नीतीश कुमार, हैप्पी कुमार, आशीष कुमार, निखिल कुमार, व्योम कुमार, रवि राय और ऋतिक कुमार के नाम शामिल है। वहीं इस टीम के कोच के रूप में कार्तिक कुमार मेहता और मैनेजर के रूप में रंजीत कुमार सिंह का नाम शामिल है। शिक्षकों को नई नियुक्ति में मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान नियोजन इकाई अथवा किसी अन्य नियोजन इकाई में उच्च कोटि के पद पर नियोजन होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए 20 अगस्त 2020 के बाद नियुक्त होने वाले नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। शिक्षकों को अब पूर्व की सेवा के आधार पर ही वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही नई नियुक्ति में उनके पुराने वेतनमान को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके मुताबिक कोई भी आयोजित शिक्षक यदि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में पास होकर अध्यापक बनता है तो उसकी न्यूनतम वेतन राशि जितना एक नियोजित शिक्षक के रूप में उसे मिलती है उससे कम नहीं होगी। विश्व एक्वेटिक मास्टर्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे बिहार के 67 साल के मुरारी मोहन। कुछ नया करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं होती, इस पंक्ति को बिहार के 67 साल के मुरारी मोहन शर्मा ने सच कर दिखाया है। दरअसल मुरारी मोहन शर्मा विश्व तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसका नाम विश्व एक्वेटिक मास्टर्स चैंपियनशिप कायूस 2023 है। इस प्रतियोगिता में वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुरारी मोहन शर्मा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जापान जाने वाले हैं, जहां वे 65 साल से 69 साल की आयु श्रेणी में 50 मीटर की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मालूम हो कि मुरारी मोहन शर्मा का चयन इस प्रतियोगिता के लिए नेशनल मास्टर तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हुआ है। मुरारी मोहन ने इससे पहले भी कई प्रतियोगिता में भाग लिया है और मेडल जीता है। यह बिहार सरकार के पदाधिकारी और सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में लगभग 10 सालों तक मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट में बिहार से इतने फीसदी छात्र हुए पास। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 12वीं कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें बिहार से कुल 65.45% छात्र ने सफलता हासिल की है। वहीं इम्प्रूवमेंट परीक्षा में 45% छात्रों के अंक में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर हम इस परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की फीसदी देश भर में बताएं तो देश भर से इस परीक्षा में कुल 54% छात्र ने सफलता प्राप्त की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 40,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 34,000
परीक्षार्थी सफल हुए हैं। वहीं अगर बात करें इम्प्रूवमेंट परीक्षा के बारे में तो इस परीक्षा में कुल 20,432 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 9,000 के लगभग परीक्षार्थियों के अंक में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस परीक्षा से संबंधित छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने इन मंत्रियों को बनाया 6 जिलों का नया प्रभारी मंत्री। मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 6 जिलों में नए प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया व नालंदा का जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है, जबकि विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, अशोक चौधरी को जमुई व सीतामढ़ी का, सीला कुमारी को लखीसराय व शेखपुरा का, जयंत राज को रोहतास और मोहम्मद जमा खान को किशनगंज का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मालूम हो कि यह बदलाव जेडीयू कोटे के ही मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दरभंगा हिंसा पर बिहार सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। दरभंगा हिंसा का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा। बता दें कि अब इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से बिहार सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के द्वारा बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से पूरी रिपोर्ट की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के धर्मपुर गाँव में अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ दुर्भावना की गई है। 2 जुलाई की रात को अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति श्रीकांत पासवान, जिसकी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी, उनके संस्कार के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने उनके शव को शमशान घाट से बाहर निकाल दिया, पीटा और बुरी तरह से अपमानित किया। यह आरोप है कि पैतृक शमशान भूमि पासवान समुदाय की है और उन्हें इससे वंचित कर दिया गया। वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई और उनके वाहन की तोड़फोड़ की गई। यह भी जानकारी मिली है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मजबूर किया जा रहा कि वे पलायन पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपके जल्द से जल्द एक विस्तृत जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। भारत पाक के बीच वर्ल्ड कप 2023 के मैच की बदली तारीख। विश्व कप 2023 में भारत पाक के बीच होने वाले मैच की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि पहले यह मैच जहां 15 अक्टूबर को होनी थी, उसे अब बदलकर 14 अक्टूबर कर दिया गया है। मालूम हो कि बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि इस दिन नवरात्रि का पहला दिन है और गुजरात में रात भर गरबा नृत्य के साथ नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के जरिए सामने आई है। आईसीसी इसको लेकर जल्द ही आधिकारिक बयान और जारी कर सकता है। इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा आईसीसी और बीसीसीआई की बात से सहमति जता दी गई है। बता दें कि पाकिस्तान के कुल 2 मैच की तारीख में बदलाव हुआ है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान 12 अक्टूबर की जगह अब मैच 10 अक्टूबर को खेलेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रिया राज, कमलेश शर्मा, सिंधु, नन्नू गोलू कुमार, छोटेलाल साह, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार राम, मुटुर रंगीला, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद सकीर हुसैन, अरुण प्रभाकर, सुदुल्लाह पलवी, अंकित राज, जमशेर आलम, राजकिशोर महतो, मोहम्मद अफजल मंसूरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने में सरकार कितना सफल हो पाया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।